आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। मुरादाबाद पुलिस ने आज अंतरजनपदीय चोरों की गैंग चोरी का चोरी के माल के साथ खुलासा किया है। आपको बता दें कि एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने आज एक अंतरजनपदीय चोर गैंग का खुलासा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गैंग डेरा लगाकर प्रत्येक जनपद में चोरी करता था। इनका एक सदस्य अगर सुबह 5 बजे नहीं आता था तो यह समझ जाते थे कि पुलिस द्वारा हमारे साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बड़े ही शातिर किस्म के चोर हैं। यह अपने पास मोबाइल भी नहीं रखते थे जिससे पुलिस इनकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से एक तमंचा, 315 बोर दो जिंदा कारतूस, 12 बोर के एक तमंचा, 12 बोर के दो जिंदा कारतूस और चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। पर्दाफाश किया है, इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। कृष्ण पाल पुत्र बेनी, मंगल पुत्र पप्पू, बॉबी पुत्र करण, ये तीनों ही शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। 35 साल वर्ष की आयु है, कम पढ़े लिखे हैं। इनके जैसे पूछताछ के दौरान बताया है कि ये लोग अपना घटना कारित करते हैं चोरी की। इसमें 3 घटनाओं के बारे में उन्होंने है। काशीराम नगर में जो 28 अप्रैल को घटना हुई थी, किसानपुर में 22/23 की रात को चोरी की घटना हुई थी, और 21/8 को कटघर में सुनार की दुकान पर नकद देने की घटना हुई थी। इन सभी में इन्होंने बताया कि इनका गिरोह शामिल था। इसमें 4 लोग इस समय फरार हैं। ये पूरा गिरोह शाहजहाँपुर से ऑपरेट करता था। ये वहाँ से निकल के अलग अलग क्षेत्रों में जाके चोरी या नकद देने की घटनाएँ कारित करते थे। इनके घटना करने का तरीका इस तरह से होता था कि सुबह फेरी लेके निकलते थे जिसमें टॉर के अन्य छोटों का आइटम लेते बेचते थे। इसी के दौरान जहाँ पे इन्हें घटना कारित करनी है उसकी जगह करते थे, उसी के हिसाब से कारित करते थे और घटना कारित करते। इनके पास से 4 जोड़ी पायल, 4 जोड़ी बिछड़े प्राप्त हुए हैं, साथ ही 6 अंगूठी, 7,000 रुपये नकद और 1 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और 1 12 बोर का तमंचा, 2 कारतूस, इसके अलावा 1 चाकू और इनके पास से एक बैग खुला है जिसमें इनके कुछ कपड़े हैं। और साथ ही जो घटना कारित करने के लिए हथौड़ा, सैनिक संपर्क जैसे जो उपकरण है इनके पास से कबूला है और इनके बारे में मुझे कोई से भी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी दी जा रही है अन्य जिलों से भी। और इसमें इस समय 4 जो अभियुक्त हैं फरार हैं, पप्पू, मोंटू, रौनक और अंदर के 4 शाहजहाँपुर के हैं। इन लोगों ने बताया कि ये कई इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और